शहजादी, अगर आप मुझे इजाजत दे तो क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? आप ये अली में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? मेरा मतलब है कि आप अली में दिलचस्पी लेंगी तो वधी वालों को बुरा लग जाएगा, उन्हें बुरा लग जाएगा, तो वो गम में डूब जाएंगे, वो गम में डूब जाएंगे तो वो काम करना छोड़ देंगे, वो काम करना छोड़ देंगे तो पूरा बगदाद बर्बाद हो जाएगा। शहजादी, आप बगदाद को बचा लीजिए, पर आप ना इस अली से दोस्ती मत कीजिए। ये दोस्ती नहीं, मैज़ एक खेल है पित्ती। खेल? आप क्या बोल रही है शहजादी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अली को यहाँ से भेजने का खेल, हमें उस चेहरे से नफरत है पित्ती। अफसोस हम उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं ले पाए, लेकिन उसे यहाँ रहने भी नहीं देंगे। अब कैसे? आप तो जानती है ना कि वजीर आला और अली दोनों कितने गहरे दोस्त बन चुके हैं, तो ये काम करना तो मुश्किल होगा ना। अली साहब, आप हमारी जिंदगी की हर एक मुश्किल को हल कर देते हैं। काश आप हमें पहले मिले होते। बहरहाल अब मिल गए हैं और अब हम आपको जाने नहीं देंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे। हम उसको जाने के लिए नहीं कह सकते क्योंकि उसने हमारी जान बचाई है, और वजीर आला उसे तब तक नहीं जाने के लिए कहेंगे जब तक वो उसके दोस्त है। और अली वजीर आला का यकीन जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बताइए आपको क्या चाहिए? शहजादी यास्मीन, उनका प्यार, उनकी हर एक पसंद, उनकी चाहत, उनकी खुशी, बस यूं कह लीजिए कि उनका सब कुछ चाहिए हमें। अली पर से वजीर आला का यकीन तो जरूर टूटेगा। आप यकीन तोड़ेंगे? अली खुद से। अली के होते हुए अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब आपका दोस्त आपको आपका प्यार दिलाएगा, ये मेरा वादा है। बदरीन, दोस्ती के वादों का वही हाल होगा जो आंधी में पत्तों का होता है। जब वजीर आला हमको अली के साथ इश्क मोहब्बत की बातें करते देखेंगे, हम अली को रिझाएंगे और वो हमारे जादू से बच नहीं पाएगा। वो हमारे जादू से बच नहीं पाएगा तो वो वजीर आला की नजरों से नहीं बच पाएगा, और वो अगर वजीर आला की नजरों से नहीं बच पाएगा तो वो अली को यहाँ से धक्का मार कर बाहर निकाल देंगे। वाह शहजादी। अली का पाला काफी सारी लड़कियों से बड़ा होगा, लेकिन शहजादी यास्मीन से पहली बार पड़ा है। हम उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि हमारे बाद वो किसी लड़की से नजरें तक नहीं मिला पाएगा। देखिए अली साहब, हम चाहते हैं कि आप हमें कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे शहजादी हमें पसंद करना शुरू कर दें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम उन्हें पसंद करते हैं। जिसे लोग सियासत का मक्कार समझते, वो बेचारा तो इश्क का बीमार निकला।
मैं आपकी मदद करूंगा और आज हम सीखेंगे इश्क के किताब का सबक 101। सहेली को रिझाओ, मंगेतर को जलाओ। कुछ समझे नहीं? मैं समझाता हूं। अब से आप जब भी उनके साथ हो ना, उनकी हर बात पे आपको दिलचस्पी दिखानी है। शहजादी, उनकी दोस्त पिद्दी, तब तक जब तक ऐसे हालात ना हो कि शहजादी और पिद्दी साथ में हो, तो पिद्दी सिर्फ आपके बारे में ही बात करे। सौदागर अली, आप बगदाद के वजीर आला को, इस मुल्क के होने वाले सुल्तान को एक कनीज के साथ, ऐसी कनीज जिसकी सगाई हो चुकी हो, आप होश में तो हैं? मैं होश में हूं वजीर आला, लेकिन वजीर आला इश्क होश वालों का काम नहीं है। आप खुद सोचिए, जब आप प्यारी बहादुर ख्वाब सी खूबसूरत शहजादी को छोड़कर पिद्दी को घास डालेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? बर्बादी होगी, और क्या होगा? नहीं नहीं वजीर आला, शहजादी के दिल को और उनके गुरूर को थोड़ा सा धक्का लगेगा, जिससे कि उनकी अंदर की मोहब्बत है जो आपके लिए वो ऐसे छलक कर बाहर निकलेगी। वजीर आला, ये तो इश्क के कायदे हैं। नहीं अली साहब, माफ कीजिएगा, लेकिन हमसे ये नहीं हो पाएगा। आप हमें कोई और तरीका बताएं। आप ये क्या कह रहे हैं? अर्ज किया है, जिस तरह पानी में रहकर भी बादाम गलते नहीं, जमीन पर गिरी तौलिया से मुंह मलते नहीं, उसी तरह इश्क के कायदे सहूलियत के हिसाब से बदलते नहीं। देखिए वजीर आला, अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं जो कहूंगा आपको वो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं चलता। रुकिए, तो हम करेंगे जैसा आप कह रहे हैं। ये हुई ना बात वजीर आला। अली साहब, लेकिन पिद्दी के साथ मोहब्बत का नाटक, ये कुछ तो शर्म कीजिए वजीर आला, पिद्दी की सगाई हो चुकी है। वही तो हम तब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ वजीर आला, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको मोहब्बत का नाटक करने को नहीं कह रहा, बस इतना करने को कह रहा हूँ कि अब से आप जब भी शहजादी को मिले तो उनसे सिर्फ और सिर्फ पिद्दी के बारे में पूछिए, और हाँ, अगर पिद्दी वहां मौजूद है तो शहजादी को देखिएगा भी मत, ठीक है? जी, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये मोहब्बत एक आग का दरिया है और डूब के जाना होगा। धीरे आला, ये कौन सा गाना है? है नहीं, एक दिन होगा जरूर। सारा जी, जी आपकी खूबसूरती के एहतराम में एक शेर अर्ज करता हूं। इरशाद। शुक्रिया। एक फूल हाथ में, दूसरा फूल साथ में, पहले पानी किसे दूं, उलझाऊं इसी बात में। पानी की जरूरत तो उस फूल को है। हाँ?
क्योंकि इस फूल को पाने की नहीं, बस आपके तवज्जो की जरूरत है। आप है सबसे मीठी, बाकी सारा पानी खारा जी। मेरा मतलब है सारा जी, जी मेरा मतलब है आज दोपहर मुझसे जो खता हुई, मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। दोपहर को जुनैद जी, हम तो दोपहर को मिले ही नहीं जी। मुझे अली साहब के सोने के बारे में पक्की खबर है। अरे क्या बात कर रहे हो झुमरू, सोने में तो हमें भी बहुत दिलचस्पी है। झुमरू की आवाज, जुनैद जी अब सोना, अली का सोना, इस खबर में तो मुझे भी बहुत दिलचस्पी है जी। सारा जी, सारा जी माफ कीजिएगा, मुझे एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए मुझे जाना होगा। अरे जुनैद जी आप तो अभी अभी आप अभी, अरे जुनैद जी। अभी अभी तुम दोनों बात कर रहे थे? हाँ हाँ, नहीं क्योंकि आवाज ऐसी है जैसे तुम बड़े बात कर रहे हो। अरे जुनैद जी आपके कान वापस खराब हो गए, इसमें हमारी गलती है क्या? मेरे कान खराब? ये बताओ अभी तुम लोग किसके सोने की बात कर रहे थे? अली साहब के? हाँ। जो गायब है 3 दिनों से। हाँ। तुम्हें किसने बताया? मुझे किसी ने भी कहा सोना कहाँ है? छत पे? सड़क पे? मतलब? अरे आप तो वजीर आला के भाई है ना, जहाँ चाहे वहाँ सो सकते हैं। और आपको अगर कोई सोने के नुस्खे पता हो तो हमें बता देना। क्या? हमारे लिए नहीं, अली भाई जान के लिए। क्या बोल रहा है? हाँ, जब से बगदाद आए हैं सोना ही भूल गए। सोना भूल? तुम्हारा दिमाग तो सही है, सोना तो साथ लाए थे। तुम किस सोने की बात कर रहे हो? हम तो नींद वाले सोने की बात कर रहे हैं। क्या? हाँ बुद्धू, बुद्धू तुम, बुद्धू ये बुद्धू, तुम्हारा पूरा घर खानदान बुद्धू, सिवाय सारा जी को छोड़ के। और ये झुमरू के बच्चे, दोबारा अगर तुमने मुझे मारा तो मैं मैं तुम्हें देख लूंगा। देख लेना, फालतू मेरा वक्त बर्बाद किया। अजीब है अली के घर वाले, लेकिन लेकिन सारा जी नहीं। सारा जी, मैं आया जी। आप मुझे क्या देख रही है? इस धूल को देखिए शहजादी। और वैसे भी निकाह के दिन नजदीक आ रहे हैं, और हर लड़की चाहती है कि वो निकाह वाले दिन बहुत ही खूबसूरत दिखे। शहजादी, अगर मैंने अपना चेहरा नहीं ढका तो पूरे चेहरे पे धूल लग जाएगी, धूल लग जाएगी तो मुझे कील मुहासे हो जाएंगे, कील मुहासे हो जाएंगे तो निकाह तक ठीक नहीं होगा, निकाह तक ठीक नहीं होगा तो पूरे बगदाद वाले इस दुल्हन को बदनाम कर देंगे। शहजादी आपको मुझे बदनाम करने से रोकना होगा। चलिए शहजादी। दीप, पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं शहजादी? शिकारी का शिकार करने। विद्धि तुम जल्दी जाओ और अली को कहो कि हमारा पैर फिसल गया है और हम नीचे गिर गए, और हमें उसकी मदद की जरूरत है। अली को? पर क्यों? क्योंकि यही बात तुम जाके जफर को बताओगी और सफर हमारी मदद करने आएंगे, लेकिन उससे पहले अली हमारी मदद करने आएगा। वो हमारा ख्याल रखेगा, हमारी मदद करेगा और शायद हमें अपनी बाहों में उठा भी लेगा, और ये सब वजीर आला की नजरों के सामने होगा।
और फिर वजीर आला को गुस्सा आएगा और वो अली को बगदाद से बाहर निकाल देंगे। वाह शहजादी, क्या दमदार तरीका सोचा है आपने। लेकिन हमें एक बात का बहुत ही गम है, आप अली की वजह से ऐसे फिसल कर खुद को चोट पहुंचाएंगे। ओह पिद्दी, हम थोड़ी ना गिर जाएंगे, हम तो नाटक करेंगे ना गिरने का, फिसल में थोड़ी ना गिरेंगे पिद्दी। ओह शुक्र है, मुझे तो लगा कि आप सच में गिरने वाली है। जल्दी जाओ। पकड़ तो लिया चचा, लेकिन पिद्दी को। मैं तभी तो तुम्हें यहाँ से जाने को कह रहा था पिद्दी। हाँ, अपने छोटे भाई चंदू के साथ लुका छुपी खेल रहे थे। अली साहब, आप ये सब छोड़िए, पता है शहजादी गिर गई है और उन्हें चोट लगी, आप जल्दी चलिए, उन्हें आपकी जरूरत है। शहजादी गिर गई? सुन के बड़ा बुरा लगा, लेकिन मैं अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। अली साहब, आप कितने अजीब हैं। शहजादी दर्द के मारे बेहाल हो रही है पर आपको खेल की पड़ी है। पड़ी तो है ना? दीदी आप जाइए, किसी और से मदद मांगिए, महल में और भी लोग हैं। जाइए जाइए। आधा बरजे। लेकिन आका आप गए क्यों नहीं? सही किया आका आपने, मुझे यकीन है कि शहजादी को कुछ नहीं हुआ होगा। ये उनकी आपको फंसाने की नई चाल है। हमें लगता है कि झुमरू सही कह रहा है। क्या जमाना आ गया है, अगर शहजादी को सच में चोट लगी होती तो इतने बड़े महल में सबसे पहले पिद्दी ही आपके पास क्यों आती? क्योंकि एक लड़की मुसीबत के वक्त सिर्फ उसे याद करती है जिस पर उसे सबसे ज्यादा यकीन होता है। अब तुम तीनों मेरा इतना ख्याल रखते हो, इतनी फिक्र की जैसे अब आदत नहीं रही। शहजादी को अगर चोट भी लगी होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि पिद्दी को जल्दबाजी में ये कमरा दिखाऊंगा, इसलिए मुझे बुलाने आ गए, नहीं तो अब तक तो बगदाद की सारी फौज, सारे हकीम शहजादी के पास पहुंच गए हूं। मैं उनसे बाद में मिल लूंगा। तुम तीनों जाओ खाने के कमरे में, मैं पहुंचता हूं। जो हुकुम आका। चले नक्शी ने बुलाया है, जाना तो पड़ेगा। या खुदा, कहने कुछ और जा रहे थे और हो कुछ और गया। बलि आएगा तो क्या करेंगे हम? काश पिद्दी वजीर आला को पहले लेके आ जाए।
कोई है? मैं हूं ना। आप आ गए? आपने बुलाया था तो आना ही था। वैसे आजकल आप मुझे काफी याद करने लगी। वो हमें बहुत जोर से चोट लग गई है। वो तो मैं देख रहा हूँ। जी तो आप वजीर आला को बोल दीजिए, वो हमारी मदद करने अभी आ जाएंगे। जाइए। जरूर। और पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको चोट कैसे लगी? हम बक्सा उठा रहे थे। आपको क्या करना है? हमारा मतलब है कि देखिए, हम बहुत दर्द में हैं। हमने प्रीति से कहा था कि वजीर आला को बुला लीजिए, पर वो अभी तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई है। अली, एक बात बताइए, इतने धूल भरे कमरे में बक्सा हटाने आप क्यों आए? ये शहजादियों का काम नहीं, नौकर का काम है। आप तो शहजादी हैं। देखिए अली, अभी हम आपके सवालों के जवाब देने की हालत में नहीं है। हमें बहुत दर्द हो रहा है। आप जाके वजीर आला को फौरन बुला लाइए। मेहरबानी करके बुलाइए उनको। शहजादियां तो गुजारिश भी अकड़ के करती हैं। थोड़ा प्यार से कीजिए। प्यार से? पास आइए। ये लीजिए। और पास? ये लीजिए। और पास? ये लीजिए। वजीर आला को बुला के लाइए फौरन। ये आपने? अब मैं जाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जब तक वजीर आला को बुला लाई होती तो हमें इसके नखरे नहीं उठाने पड़ते। पता नहीं खुद को क्या समझता है। दीदी, तुम हम तुम्हारी जान ले लेंगे।